नमस्कार, मैं हूँ शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज के इस ताजा तरीन खबर पर एक नजर। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या से चिंतित प्रशासनिक अधिकारी लगातार मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हैं और स्वयं अस्पतालों में जा जाकर निरीक्षण का कार्य कर रहे हैं एवं मरीजों से बात कर उनका हालचाल जान रहे हैं। साथ ही उन्हें मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारियां ले रहे हैं। आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में बुधवार को जिला अधिकारी झांसी आंध्रा वामसी और नगर आयुक्त अवनीश राय ने झांसी मेडिकल कॉलेज में गए कोविड स्पेशलिटी सेंटर L3 का औचक निरीक्षण किया तथा वहां सुविधाओं को और बेहतर बनाने की बात कही। इस दौरान दोनों ही अधिकारियों ने वहां भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों से बातचीत कर उनके हालचाल को पूछा। मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी सुविधा मिले इसके लिए वार्ड 10 L2 में बेड संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने 15 और वेंटिलेटर और 12 HNFO और 11 BiPAP और 12 HFOP बेड की व्यवस्था करने की बात कही। उन्होंने कहा कि L3 सेंटरों में बेहतरी के लिए जिला अस्पताल के 8 डॉक्टरों और 2 एनेस्थेटिस्टों को भेजा जाएगा और वहां 50 बिस्तरों की बढ़ोतरी की जाएगी। L3 और L2 अस्पतालों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस तैनाती की जाएगी। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ नीरज प्रजापति की रिपोर्ट। अब स्वस्थ हो गए आप, आज आपको नॉन आईसीयू भेजेंगे, ठीक है ना? ठीक है डॉक्टर सारा है ठीक ठाक नर्सेस सफाई ठीक ठाक हो रही हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।